बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i x 2j.k। उसका पहला हिस्सा है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2i x 2j.k। सिंपल यही सवाल, इस तरह का ही सवाल हम लोग इसी एक्सरसाइज के पहले पार्ट में कर चुके हैं कि हमने u.v x w या uvw² में ये फाइंड करना होता था। इसका मतलब ये है कि हमने इस सारे का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो अगर मैं पहले वेक्टर की बात करूँ, वो 2i उसमें वैल्यू है, इसका मतलब इसमें j और k ज़ीरो है, तो इसलिए 2 0 0। दूसरे की बात करूं तो इसमें 2j है, इसका मतलब i और k इसमें 0 है और j की जगह पर 2, और तीसरे में k है यानी उसकी वैल्यू 1 है और i और j इसमें 0 है। अब अगर हम इन्हें क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमारे पास, अगर हम फर्स्ट के लिए करें 2, यानी 2 पहले आ गया और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, तो 2 × 1 दैट इज 2 माइनस 0 × 0 तो 0। सेकेंड वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि ये 0 है सेकेंड टर्म, और इसी तरह थर्ड वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो 2 × 2 यानी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये बच्चों इस तरह इसका पहला हिस्सा था। इस तरह आप इसका ये दूसरा पार्ट भी कर सकती हैं जिसमें 3j.k क्रॉस आई है, यानी j का मतलब यह है कि फर्स्ट रो में j की जगह पर, जिन दूसरी जगह पर 3 है बाकी 0 है, सेकंड में इसी तरह k की जगह 1 है बाकी 0 है, और थर्ड में i की जगह 1 है और बाकी 0 है। अब अगर हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो उसमें भी हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज बनेंगी। ये दो टर्म्स तो हैं ही 0, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये 0 हैं, तो ये तो 0 हो जाएंगे। सेकंड के लिए माइनस होता है और वैल्यू है 3 − 3 × अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1। अब -1 − 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा +3। तो इस तरह ये इसके दो पार्ट हैं। तीसरे पार्ट में देखें, कोई वर्ड क्रॉस या डॉट का नहीं लिखा हुआ, बल्कि सिंपल लिखा हुआ है के आई जे, लेकिन उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका मतलब यह है कि आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। के से मुराद फर्स्ट जो रो है उसमें के की वैल्यू 1 है, इसी तरह आई से मुराद जो सेकंड रो है उसमें आई की जगह पर 1 है, और जे से मुराद थर्ड रो में उसमें 1 है। तो ये बिल्कुल उस तरह हमने लिख लिया। अब ये पहले दो तो हैं ही 0, तो ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू, सिर्फ ये वाली टर्म बचती है ये 1। ये जब मल्टीप्लाई होगा 1 1 से तो 1, और 0 0 से होगा तो 0, तो 1 × 1 − 0, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1। इस तरह इसके बाकी पार्ट्स भी हैं, आप लोग कोई भी खुद कर सकती हैं, जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपने लेना है। नंबर इसी 5 का बी पार्ट है, प्रूव डैट u.v x w + v.w x u + w.u x v, इन तीन वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उनको सम किया है, तो वो दरअसल इक्वल आता है 3u.v x w। बच्चों ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि u.v x w हो या v.w x u हो या फिर w.u x v हो, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। इन तीनों को सम किया है तो ये इसके इक्वल आ जाता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो u.v x w है, उसे हम यूं भी लिख सकते हैं u.v x w अलग अलग, इसी तरह इसको लिख सकते हैं v.w x u, और इसको लिख सकते हैं w.u x v। अब देखें ये तीनों आपस में इक्वल हैं, यानी u.v x w, v.w x u और w.u x v, ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब हम इनको एक जैसा लिख सकते हैं, यानी इन तमाम को इस तरह डिफरेंट लिखने के बजाय एक जैसा लिख सकते हैं, ऐसे u.v x w + u.v x w + u.v x w। अब एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इनको प्लस करें, एक और एक दो और एक तीन हो जाएंगे, तो 3u.v x w, और यही हमारे पास दूसरी साइड थी जो जिसको हमने इक्वल लाना था। तो इससे साबित हुआ कि ये जो एक लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें 3u.v x w डिफरेंट डायरेक्शंस में दिए गए हैं, वो दरअसल इक्वल हैं, उनको सम करें तो वो इक्वल हैं 3u.v x w के। तो ये इसका बी पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है,
फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विद द वर्टिसेस, ये चार वर्टिसेस गिवन है, हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करना है। ठीक है जी, सबसे पहले ये जो चार वर्टिसेस हैं, इन वर्टिसेस से हम वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, तीन वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर हम उन वेक्टर्स का फाइंड करेंगे प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के लिए। तो सबसे पहले इन चार वर्टिसेस से हम वर्टिक्स फाइंड करते हैं, वर्टिसेस से वेक्टर्स फाइंड करते हैं। फर्ज करें पहले को मैंने वेक्टर को यू का नाम दे दिया है, उसमें कौन कौन से पहले दो वेक्टर वर्टिस यानी ए और बी, तो वेक्टर यू इज इक्वल टू ए बी यानी ओ बी माइनस ओ ए। यहाँ ओ बी की वैल्यू पुट की है जो कि ये है पॉइंट के फॉर्म में 3:1 है, इसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, माइनस ओ ए की वैल्यू पुट की है। अब जरा इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3 माइनस 0 बाकी बच जाएगा 3, 2 माइनस 1 बाकी बच जाएगा 1 और प्लस k माइनस 2 के तो बाकी बच जाएगा माइनस k। ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया एक साइड। इसी तरह अब हम दूसरा फाइंड कर लेते हैं, उसको v का नाम दे देते हैं, वो क्या होगा ए सी। पहला ए बी फाइंड कर लिया ए बी पॉइंट की मदद से, वर्टिक्स की मदद से। दूसरा ए सी वो इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए, ये c की वैल्यू माइनस ये o की वैल्यू। अब माइनस करते हैं इनको तो i माइनस 0 i जवाब आ जाएगा i, प्लस 2j माइनस j बाकी बच जाएगा प्लस j और प्लस k माइनस 2k बाकी बच जाएगा माइनस k। एक और वेक्टर भी फाइंड हो गया जिसे v का नाम दिया, यानी v इज इक्वल टू i प्लस j माइनस k। एक और वेक्टर फाइंड कर लेते हैं जिसको हम w कह देते हैं, वो दरअसल क्या है a d के इक्वल रख लेते हैं। पहला a b फिर a c फिर a d, वो इक्वल टू o d माइनस o a। हम इसमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में भी एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, ए से लेकर देखें बी पे भी, ए से लेकर सी पर भी और ए से लेकर डी पर भी। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5i माइनस 0i तो 5i बच जाएंगे, प्लस 5j माइनस j तो प्लस 4j, प्लस 6k माइनस 2k तो प्लस 4k। अब देखें तीनों वेक्टर्स फाइंड हो गए, u v w फाइंड हो गए। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के लिए तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तीनों की वैल्यूज पुट की। अब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं फर्स्ट रो को यानी 3, फिर माइनस 1 और ये माइनस 1 ये लास्ट वाली वैल्यू। उसके बाद अब फर्स्ट को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, उसमें हमारे पास बाकी बच जाएगा 1 माइनस 1 4 4। सेकेंड के लिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे और बाकी बच जाएगा 1 माइनस 1 5 और 4, और थर्ड के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे बाकी बच जाएगा 1 1 5 4। अब 3 ऐसे बाहर लिखा रहे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा 4, फिर माइनस का 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस 4। इसी तरह ये माइनस 1 ऐसे ही लिखा रह जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और माइनस और फिर माइनस 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यानी 4 प्लस 5। फिर ये माइनस 1 ऐसे ही, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5। तो यहां पर आ जाएगा 3 × 4 + 4 करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस 1 4 + 5 करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 1 4 - 5 करेंगे तो माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर लें 8 को 3 से 24, माइनस 1 को 9 से माइनस 9, माइनस 1 को माइनस 1 से प्लस 1, तो 24 - 9 + 1 आंसर आ जाएगा 16। अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। सवाल था कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करना है, उसके लिए हमने तीन वेक्टर्स बना लिए u v w, उन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के लिए कि तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब फाइंड हो जाए तो उसको डिवाइड करना है 6 से, यानी u डॉट v क्रॉस w को डिवाइड करना है 6 से। हमने u डॉट v क्रॉस w फाइंड किया था, उसका आंसर आया है 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 6 किया तो आंसर आया 8/3। तो यही हमारा आंसर है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू है 8/3। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, क्वेश्चन में था कि हमें चार पॉइंट्स गिवन थे, चार वर्टिक्स गिवन थे, हमने उन चार वर्टिक्स की मदद से तीन वेक्टर्स फाइंड किए जिनको नाम दिए यू वी डब्ल्यू।
पहला जो यू है वो फाइंड किया ए बी की मदद से, दूसरा ए सी की मदद से, तीसरा ए डी की मदद से। फिर इन तीनों वेक्टर्स को यू वी डब्ल्यू को मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, आंसर आया है, फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट को 6 से डिवाइड किया है, तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से नई बात शुरू हो रही है, इससे पहले कुछ और बात थी, यहाँ से जो बात शुरू हुई है हो रही है वो फोर्स वर्क और इस तरह की डिस्प्लेसमेंट, ये बातें हैं, ठीक है जी। जो पहला 7 है उसमें है फाइंड वर्क डन इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स एफ, ये गिवन है, इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। एक फोर्स गिवन है जो कि एक ऑब्जेक्ट पर लगाई जाए तो वो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करा देती है। पहली बात फोर्स लिख ली, ये है पॉइंट को लिख लिया, एक OP1 दे दिया, दूसरे को OP2 दे दिया। अब देखें हमने वर्क फाइंड करना है, वर्क का फार्मूला होता है बच्चों वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वर्क आ जाता है, तो एफ डॉट डी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फोर्स तो गिवन है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन, डी नहीं गिवन, तो डी हम फाइंड कर लेते हैं दो पॉइंट्स की मदद से। जो पॉइंट गिवन है, पहला पॉइंट P1 है, दूसरा पॉइंट P2 है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू P1 P2। P1 P2 को हम लिखेंगे OP2 - OP1। अब यहाँ पर उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी पहले 2i - 3i आंसर आएगा -i, प्लस 4j - j तो आंसर आ जाएगा +3j। इसी तरह से +6k + 2k तो आंसर आ गया +8k। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो गया, फोर्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो यहाँ एफ की जगह जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है यानी 4i + 3j + 5k, और डी की जगह जो हमने वैल्यू फाइंड की है यानी -i + 3j + 8k, वो पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा उनको डॉट प्रोडक्ट करने से, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -i से तो यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा 9, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आंसर आ जाएगा 40। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी -4 + 9 + 40 तो आंसर आ गया 45 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर दरअसल वर्क का यूनिट है, ठीक हो गया जी। तो इस तरह हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो हम उसका क्वेश्चन का वर्क फाइंड कर सकते हैं, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 8 में, अ पार्टिकल एक्टिंग बाय अ कांस्टेंट फोर्सेस, दो फोर्सेस गिवन है, डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ए टू बी, वर्क फाइंड करें। सबसे पहले जो दो फोर्सेस हैं, एक को फर्ज करें F1 कह लें, दूसरी को F2 कह लें, हम उसमें से नेट फोर्स मालूम कर लेंगे। नेट फोर्स दरअसल उन दोनों फोर्सेस का कम्बिनेशन होगा, यानी उन दोनों को ऐड करने से आएगी, F1 + F2। अब जरा इनको ऐड करें तो 4i + 3i 7i, +j - j खत्म हो जाएंगे, -3k - k तो -4k। फोर्स फाइंड हो गई डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों ए बी यानी OB - OA। अब हम इनको सबट्रैक्ट करते हैं तो 5i - i रिजल्ट आएगा 4i, +4j - 2j बाकी बच जाएंगे +2j प्लस के और -3k तो बाकी बच जाएगा -2k। इसी तरह से अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया, नेक्स्ट अब हमारा जो काम है वो एफ डॉट डी है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो फोर्स भी फाइंड है, जो नेट फोर्स है वो लिखेंगे, उसकी वैल्यू डॉट डिस्प्लेसमेंट जो भी हमने फाइंड किया है इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो 7 × 4 = 28। और इसी तरह अब यहाँ आई जे की वैल्यू है ही नहीं तो वो तो 0 हो जाएगा, और के लिए -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -4 × -2 तो +8, तो 28 + 8 करेंगे तो 36। बिल्कुल ये भी पिछले सवाल की तरह ही था, फोर्सेस फाइंड करके ऐड करके उनको डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करके फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है तो वर्क फाइंड हो गया। इसमें देखें क्वेश्चन 9 में कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि डिस्प्लेस होता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस यानी पॉइंट ए टू बी, और फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास ये हैं, तो
शो डैट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस, सेम उसी तरह ही है, पिछले सवाल में दो फोर्सेस थी, इसमें तीन फोर्सेस हैं, हमने तीनों को प्लस कर लेना है, टोटल फोर्स फाइंड कर लेना है, फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेना है ए बी फाइंड करके, तो यहाँ से हमें ये दोनों चीजें फाइंड हो जाएंगी, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 102 यूनिट्स। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने वर्क जो है वो फाइंड करना है जो कि 102 यूनिट है, क्वेश्चन में ही हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो सिंपल सा सवाल है, पहले किए हैं तो आपने जस्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 10 में आ जाएं कि अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज 6 यूनिट, एक फोर्स गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट और पैरेलल टू दिस वेक्टर है, तो डिस्प्लेस टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फाइंड वर्क डन, इसमें भी वर्क फाइंड करना है लेकिन एक फोर्स की मैग्नीट्यूड गिवन है, सपोज हम कहते हैं एफ जो है उसकी मैग्नीट्यूड 6 है, जिस तरह क्वेश्चन में 6 गिवन है उसको एफ की मैग्नीट्यूड कहा है, जो वेक्टर गिवन है उसको यू कह दिया है 2i-2j+k, तो उसी वेक्टर यू का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं जो कि इक्वल होता है उस वेक्टर यू और डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे वो आएगी 4 + 4 + 1 यानी 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3, तो यू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आ गया 2i-2j+k डिवाइडेड बाय 3। अब देखें ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, अब चूंकि हमने तो फोर्स फाइंड करनी है तो फोर्स वाला जो वेक्टर होगा वो दरअसल इक्वल आएगा जाएगा फोर्स की मैग्नीट्यूड डॉट यू यूनिट वेक्टर लिख लें जो अभी हमने फाइंड किया है, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में गिवन थी 6 है और यू यूनिट वेक्टर है 2i-2j+k डिवाइडेड बाय 3, तो 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है तो यहाँ 2 बच जाएंगे, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4i-4j+2k, ये फोर्स फाइंड होगी। डिस्प्लेसमेंट के लिए वही ए बी फाइंड करना होगा यानी ओ बी माइनस ओ ए, तो उनकी वैल्यूज पुट की, ओ बी की पुट की, फिर माइनस ओ ए की वैल्यू पुट की, अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5i-i यानी 4i बच जाएंगे प्लस 3j और -2j बाकी बच जाएंगे प्लस j, इसी तरह +7k -3k बाकी बच जाएंगे +4k। अब देखें इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास फोर्स भी फाइंड हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड हो गया, दोनों चीजें जब फाइंड हो जाए तो फिर अब हम चलते हैं वर्क की तरफ, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ये एफ की वैल्यू है, ये डॉट और ये डी की वैल्यू, अब जरा हम इसको डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसी तरह -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, +2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी 16-4+8, तो 16-4 करें 12 बच जाते हैं और उसमें प्लस 8 करें तो 20 न्यूटन मीटर। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, हमने इसमें से वर्क डन फाइंड कर लिया, इधर दोबारा से बता देता हूँ, फोर्स इस क्वेश्चन के लिए नहीं गिवन थी, खुद ही फोर्स फाइंड की है जो हमें गिवन थी मैग्नीट्यूड, उसकी मदद से मैग्नीट्यूड और वेक्टर की मदद से, हमें जो वेक्टर गिवन था उसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया है, फिर उस यूनिट वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से, जो गिवन मैग्नीट्यूड से, उससे मल्टीप्लाई किया है तो फोर्स आ गई है, फोर्स फाइंड करके फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है जो कि ए बी के इक्वल होता है यानी ओ बी माइनस ओ ओ ए करके, फिर यहाँ से जो आंसर आया वो लिख लिया है डिस्प्लेसमेंट का, फिर वर्क डन के लिए एफ डॉट डी किया है तो हमारे पास आंसर आ गया है 20 न्यूटन मीटर।